नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। हम गौरेला से निकलकर दुर्गा धारा वाले मार्ग पर आगे की ओर बढ़े तो आप देख पा रहे हैं पहाड़ी मार्ग। प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप जालेश्वर बाबा का मार्ग चुनें, या केवची से कबीर चबूतरा वाले मार्ग को चुनें, या अनूपपुर से राजेंद्र ग्राम वाले मार्ग को चुनें, सभी मार्गों पर पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। इन प्रकृति के अद्भुत दृश्यों का अवलोकन करते हुए आप अमरकंटक तक पहुंचेंगे। अमरकंटक पर्वत पर बसा हुआ एक अनोखा तीर्थ है। मार्ग में कई छोटे छोटे पहाड़ी झरने दिखाई दिए जो बरबस ही आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। आप इस झरना को देखिए, झरना छोटा सा है लेकिन सड़क के ठीक किनारे है। बहुत ही सुंदर झरना, मन को मोहित कर लेने वाला यह दृश्य। यहाँ पर हम भी रुके, फोटोग्राफी किए, फिर आगे बढ़े। ऐसे स्थानों पर आने के बाद अनायास ही इच्छा होने लगती है कि आप रुकें, थोड़ा देर उस स्थल का आनंद लें, फिर आगे बढ़ें। इस यात्रा के पहले पड़ाव दुर्गा धारा तक हम पहुंच चुके हैं। दुर्गा धारा छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला के अंतर्गत पड़ने वाला एक सुंदर सा तीर्थ स्थल है। यहाँ पहुंचकर हम दुर्गा धारा के परिसर में प्रवेश किए। सबसे पहले बाईं तरफ शिवालय दिखाई दिया, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजित हैं। ऊपर में एक तस्वीर दिखाई दी, हम पहचान नहीं पाए कौन है, लेकिन बहुत अच्छा दृश्य। माता दुर्गा का मंदिर है लेकिन पट बंद होने के कारण हम उनका दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। मंदिर के बगल से हम सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़े। ऊपर जाते हुए हमें एक सुंदर सा झरना दिखाई दिया जो कि लगभग 30 फुट की ऊंचाई से गिरता हुआ। यह झरना आगंतुकों को, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप देख पा रहे हैं झरने की ऊंचाई तो कम है, लगभग 30 फुट की ऊंचाई जान पड़ रही है, लेकिन यह झरना बहुत ही मनोरम है। यह जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बहुत ही सुंदर दृश्य। क्योंकि यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है इसलिए इस जलप्रपात का नाम भी दुर्गा धारा है। लोग यहाँ पर आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, इस झरने में, इस जलप्रपात में स्नान भी करते हैं। क्योंकि यह बहुत गहरा नहीं है, आप देख रहे हैं, जो भी दर्शक, जो भी पर्यटक यहाँ आए हैं झरने के बिल्कुल समीप जाकर फोटोग्राफी करा रहे हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह बहुत गहरा नहीं है। इस जलप्रपात के ठीक बगल से एक सीढ़ी दिखाई दी। हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस सीढ़ी से ऊपर जाने पर हमें क्या दिखाई देगा। हम भी इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ते गए तो हम झरने के ऊपरी हिस्से की ओर पहुँचे। छोटी सी जलधारा बहती हुई आ रही है जिस पर यह जलप्रपात बन रहा है, लेकिन सीढ़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे मन में भी उत्सुकता बढ़ती गई कि आखिरकार सीढ़ी ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम भी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही सीढ़ी का आखिरी छोर पहुंचता है, हमें एक सुंदर सा छोटा सा झरना और भी दिखाई दिया। इस झरने पर पहुंचकर एक असीम शांति की अनुभूति हुई। यह छोटा सा झरना, यहाँ पर बैठकर फोटोग्राफी कराना, यहाँ पर से अपनी यादों को संजोकर अपने घर को ले जाना, बहुत ही अनोखा, बहुत ही
मनोरम दृश्य सच में प्रकृति की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। आजकल विकास के दौर पर, आधुनिकता के दौर पर अनेक सुंदर सुंदर इमारतें, सुंदर सुंदर दृश्य तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा निर्मित सुंदरता अद्भुत है। आप यहाँ पर आकर इस दृश्य को देखकर कैसा प्रतीत करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता अवर्णनीय है। आप यहाँ पर इस बहते हुए जलधारा को देख रहे हैं, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी अवश्य कराते हैं, क्योंकि ऐसे दृश्य हर जगह मिलने संभव नहीं है। यह छोटी सी जलधारा बहती हुई जा रही है, आप इसे देख पा रहे हैं। इस अंतिम छोर पर जाकर के यह जलधारा दुर्गा धारा के रूप में गिर रही है। बहती हुई जलधारा, स्वच्छ जल, आप इस जल में देखेंगे तो एक एक कंकड़ स्पष्ट दिखाई देगा, इतना स्वच्छ जल। और इसी छोटी सी नदी में यह जलधारा आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम छोर पर जाकर एक जल प्रपात के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे दुर्गा धारा के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पर मस्ती करते हैं, स्नान करते हैं, इस जलप्रपात का आनंद उठाते हैं। फिर जो लाल रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्थित माता दुर्गा का दर्शन करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत जलधारा, जय माता दुर्गा। दुर्गा धारा में दर्शन एवं भ्रमण के पश्चात मंदिर परिसर से बाहर निकले। आप यहाँ पर देखिए, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में यह जलप्रपात है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत सुंदरता, अद्भुत छटा बिखेर रहा है। हम यहाँ से अमरकंटक की ओर प्रस्थान कर गए। दुर्गा धारा से अमरकंटक की दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से आप 4 किलोमीटर पुनः पहाड़ी मार्ग का भ्रमण करते करते, पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए अमरकंटक तक पहुँचेंगे, जहाँ से माता नर्मदा का उद्गम हुआ है। माता नर्मदा का दर्शन करने जाना है। अमरकंटक के पूरे दर्शन हेतु आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अमरकंटक के प्रत्येक तीर्थस्थलों की अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर निरंतर प्रस्तुत की जा रही है। अमरकंटक जाने के लिए जो भी मार्ग है, अद्भुत दृश्यों से परिपूर्ण है। इन मार्गों से गुजरते हुए कभी थकान की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि पल पल पर अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। ये पहाड़ी मार्ग अपने आप में अनोखे हैं, इनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। एक से एक दृश्य आपके सामने दिखाई देते जाएंगे। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस दृश्य का अवलोकन सभी लोग कर सकें।